क्या आपको पता है दुबई में इंडियन रुपी एज ऑफिशियल करेंसी यूज होती थी एक समय पर, और खाली दुबई में ही नहीं बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में भी होती थी। हालांकि ये सिस्टम ब्रिटेन के टाइम से चला आ रहा था, बहुत सारी उसकी मिडिल ईस्ट की जो कॉलोनीज थी वहां पे वो इंडियन रुपी को एज करेंसी यूज करते थे, लेकिन ये सिस्टम कैरी फॉरवर्ड होता रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिया को भी फायदा था, वो हमसे रुपी लेते थे, बदले में हमें पाउंड्स मिलते थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता था। लेकिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई 1950s में, जब स्मगलर्स ने यहाँ पे मनी मेकिंग मशीन बना लिया इसको। बहुत सारे लोग इंडिया से रुपीज लेके जाते थे गल्फ कंट्रीज में, और वहां से सोना लेके आते थे, उसको स्मगल करके लेके आते थे, और फिर गल्फ कंट्रीज में जो रुपीज जाते थे उनको एक्सचेंज आरबीआई से कर लेते थे वो लोग पाउंड के फॉर्म में। तो जो आरबीआई के पास सारा पाउंड के फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज था वो खत्म होना शुरू हो गया। फिर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 1959 में आरबीआई ने स्पेशल नोट्स इशू करना शुरू कर दिया गल्फ के लिए, जिनको कहा जाने लगा गल्फ रुपी। और इस स्टेप के बाद धीरे धीरे सारी गल्फ कंट्रीज ने अपनी ही करेंसीज निकालना शुरू कर दिया। ऐसे और शॉर्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस केसेस के लिए एसेट योगी को सब्सक्राइब करें।